यहाँ पर देखिए नफीस अहमद जी आए हैं जो सपा के नेता है, और ये देखिए और उधर में नारे भी लग रहे हैं। सभी हमारी माताएं बहनें और सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, जब से ये मधुरी हवाई पट्टी को, हवाई अड्डे को ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, तो लगातार हमारे संज्ञान में ये आया कि यहाँ पर जो इन्होंने चिन्हित कर रहे हैं गांव, वो सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आबादियाँ सबसे ज़्यादा हैं और काश्तकार बहुत छोटे लोग हैं। अगर कितने काश्तकार ऐसे हैं कि उनकी पूरी ज़मीन जायदाद सब ख़त्म हो जाएगी, इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत पहले, तब ये इस इलाके को नहीं किए थे, इनसे पहले भी हम लोग डीएम से मिले और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक हमने प्रार्थना पत्र भी डीएम को दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उसको भेजने का काम किया। उसमें हम लोगों ने यही मांग की थी कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे आजमगढ़ जनपद का विकास हो, लेकिन विकास विनाश करके नहीं होना चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं होता कि जो आबादी कई साल से यहाँ रह रही है, जिसके बाप दादा यहाँ पर हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, आस्थाएं लोगों की जुड़ी हैं, उनको उजाड़ के ना हो। हमने सुझाव भी दिया था, जिला अधिकारी महोदय से बात हुई और उनसे कहा भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए कि आजमगढ़ जनपद में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आबादी नहीं, सरकारी ज़मीनें ज़्यादा हैं, सरकारी ज़मीनें ज़्यादा हैं, आबादी नहीं है, उस जहाँ को चिन्हित किया जाए जिससे आम जनमानस को कोई नुकसान ना हो, और इंटरनेशनल हवाई पट्टी बननी चाहिए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यहीं बनारस में 100 किलोमीटर पे है, यहीं कुशीनगर पे है 100 किलोमीटर पे। अगर इतनी आवश्यकता है तो आप किसी का आशियाना उजाड़ के मत करें। तमाम ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, ताल पड़े हुए हैं, कई 100 बीघे के ताल पड़े हुए एकड़ के, जहाँ ना आबादी है ना कोई रहने वाला है, आप उसको चिन्हित कर लें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार हम लोग विधानसभा जब अभी 3 दिन चली उसमें भी इस मुद्दे को रखा गया, और उसके बाद इन्होंने फिर और जगह इधर बढ़ा दी, यही तो समझ नहीं आ रही है ना बात, इसको इधर भी बढ़ा दिया। अब इसमें अभी हमारे एक भाई लोग यहाँ से फ़ोन आया था, क्योंकि हम आ जाते, मैं ही किया था सर। हाँ नहीं, आप भी किए तो और एक भाई, हाँ नहीं आप भी किए, तमाम लोग कर रहे हैं। ऐसा है कि आप सबको मालूम होगा कि इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, हम सब के नेता पिता और सब कुछ जी जी, मुझे तो उन्होंने हाथ पकड़ के अलीगढ़ छात्र संघ का अध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ से लेके आए, धरती पुत्र मुलायम सिंह, उनका स्वर्गवास हो गया। हम लोग वहाँ पे थे, लेकिन जैसे ही आए सबसे बातचीत हुई। इधर हमारे देवारा क्षेत्र में 25 साल पहले, कभी 28 साल पहले ऐसी बाढ़ आई हुई थी, बहुत भयानक बाढ़ आई हुई, बहुत तबाही मची हुई है, लेकिन हम आपके बीच में आए, आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी हर तरीके की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लड़ने का काम करेंगे। और अभी अक्टूबर में सत्र 48 घंटे का चलने जा रहा है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी के सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम ये बात संज्ञान में, माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं, उनको भी ये सारी बात हमने संज्ञान में दे दी है, और उन्होंने भी कहा है कि विकास होना चाहिए लेकिन विकास लोगों के घरों को उजाड़ के नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी कहा है
कि हम सरकार से पूरी मजबूती से आप लोगों का पक्ष रखने का काम करेंगे। हाँ, जहाँ तक सवाल है, परसों रात में मुझे सूचना मिली कि हमारे कई सम्मानित प्रधानों को ज़बरदस्ती बैठा लिया गया। जैसे ही सूचना मिली, मैंने मालूम है इनको भी पता होगा कि मैं रात भर कितना, मैंने SDM से बात किया, उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा बातचीत करने, मैं कहा बातचीत थाने में थोड़ी होती है, हैं? अगर बातचीत करनी है तो आप आइए गांव में बैठ के कर लीजिए, ऑफिस पे बुला लीजिए। फिर उसके बाद कहा गया कि कहीं से सूचना मिली, मुकदमा लिखा जा रहा है जी, रासुका लगने वाला है, तो उस पर भी मैंने बात किया तो उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे संज्ञान में जैसे आज भी बात आई कि रात के अंधेरे में आकर ज़बरदस्ती सारी चीज़ें हो रही, ये चीज़ गलत है। हम जिलाधिकारी महोदय से अभी तत्काल बात करेंगे और उनसे मिल के कहेंगे ये इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, किसी को बेइज्जत, किसी को उत्पीड़न करके ऐसा नहीं होना चाहिए। हैं, सरकार विधानसभा के अंदर ये कहती है और सरकार अपने मंचों पे कहते हैं कि अगर ज़मीन का अधिकरण होगा, ज़मीन ली जाएगी तो वहाँ की सहमति से ली जाएगी, सबसे बातचीत करके ले जाएगी, ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी। तो बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से निष्कर्ष निकलता, ज़बरदस्ती किसी के साथ अन्याय होगा तो हम सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये ताली नहीं, ये अफसोस की बात है, ताली ना बजाइए, हम ताली के लिए नहीं आए, हम तो आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं। और जितना भी आप देख लें, अगर आजमगढ़ में कोई काम भी हुआ है, चाहे जो भी हुआ, तो हमारी सरकार में हुआ। ये लोग तो सिर्फ उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक आदमी ये नहीं बता सकता कि इन्होंने कोई काम अच्छा किया हो जिससे जनता को खुशहाली। कभी नहीं, कभी नहीं। महंगाई, माता बहने इतनी बड़ी तादाद में हैं, आप बताओ महंगाई आज कहाँ चली गई? कड़ुआ तेल कै रुपया किलो बिकत है बताओ? है लेकिन के लिखा वाली पेंसिल पे भी पाबला है। महंगाई, गैस का सिलेंडर 350 रुपया से 1000 से ऊपर हो गए, 1280 रुपया हो गए, लेकिन इन्हें महंगाई ना ना। तो इस सारी चीजों पे हम लड़ रहे हैं, ये सारी चीजों पे हम लोग आपके साथ हैं। और आपका जो पत्र है, कहाँ आ गया साहब, उसको लेकर हम अभी बात करेंगे, बात की जाएगी। और इस तरीके का कोई भी जाती जुल्म जाती होगी, आपके साथ हम लोग पूरे दिन 24 घंटा साथ में। DM घोषणा कर रहे हैं कि 80% लोग सहमत हैं, हम ये चाहते हैं कि DM आकर के बात करेंगे, अगर 80% लोग सहमत होंगे तो हम तैयार हो जाएंगे देने को। इसमें से कितने लोग अपनी जमीन देने के लिए सहमत हैं, अगर अंदरूनी है तो यहाँ खुल के बता दें। कोई नहीं, कोई है? कोई नहीं, जमीन अपना दिया जाए, अपना जमीन चाहिए, हम लोग नहीं चाहिए, गरीब में नहीं है, हम अपना बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? विधायक जी, आज 2-3 गांव में 2 दिन से खाना नहीं बन रहा है, ये महिलाएं 24 घंटा इसी बाग में हैं, ये क्या दर्द है आपको बताएं? इस सरकार की, इस DM की, खाना नहीं बन रहा है, रो रही है सब बैठ के। अरे पीएचसी को बात छोड़िए, DM खुद बोला भागोगे नहीं तो पीटेंगे बहुत, DM खुद ही बोले हैं अगर भागोगे नहीं तो मारेंगे बहुत। गंदी पुलिस लोग DM साहब से मैं खुद मिलने गया था, उन्होंने डांट करके गाली दी, सीधे बोला यहाँ कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ मैं, निकले यहाँ से। इस तरीके की बात, शिक्षित व्यक्ति थे वो, उसकी कुर्सी बैठाए गए और खुद बोले कि रासुका लगा देंगे। नहीं है, ये सरकार खुद बोली कि हम लग जाओ नहीं तो रासुका लगा देंगे। ये देखा रात में सर्वे के दौरान इनको मारा, 2 बजे रात अपील दो उन्होंने, ये एकदम हिटलर के बाद की बात अगर की जाए तो ये नरेंद्र मोदी, हिटलर के बाद नरेंद्र मोदी पैदा हुआ,
इस तरीके का जनता के साथ अभद्र व्यवहार करने का काम ये कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं औरतों के साथ। जनता का उभार होता, जब जनता का उभार हुआ तो हिटलर साइबेरिया के जेल में आत्महत्या किया, इनको भी आत्महत्या करना पड़ेगा। ये सर एक मिनट का वीडियो देखिए, रात में जो आए थे ये पुलिस वाले, देखिए किस तरह नेता जी रात में करतम आपको देखा होगा। ये तो हालत चल रही है गांव की, ये रात एक बजे दो बजे की कहानी है। देखिए इस लड़की का भी दर्शन लीजिए, हमको डीएम साहब जबरदस्ती हमको बैठा रहे थे यार, कहीं से मंगाओ जबरदस्ती पुलिस वाले हमको बैठा रहे थे गाड़ी में बैठ के, कहे चलो चलो घींच रहे थे, दो लेडीज पुलिस है और जींस हमको घींच रहा था, जल्दी चलो जल्दी चलो, तीन बार हमको घींच के लेके इधर आ जाओ भाई, जिसके साथ पुलिस ने बदतमीजी किया, आ जाओ जबरदस्ती सर हमको घींच के बैठा रही थी, हमारे भाई को मार रही थी जबरदस्ती, बेकसूर की मार रही थी। रोड जाम, अरे भाई रोड जाम करने का हल है ये नहीं, भाई आप पहले अपना पत्र तो दीजिए, हम बात तो करें। आशीष आशीष लेवे कहीं ना, हाँ बताइए साहब को बताइए, खड़े थे जबरदस्ती पकड़ रहे थे, हम जा रहे थे वही पे जबरदस्ती पकड़ ही करे, इसको भी पकड़ो इसको भी पकड़ो, ये भी बहुत ज्यादा थूक कर रही है, इसको पकड़ो चलो लेके चलो थाने में, गाड़ी में बैठाओ, इसे बहुत बोल रही है, बहुत ऐसा सब कर रही है, जबरदस्ती कर रहे थे, गलत गलत कहते सब, सब जबरदस्ती खींच रहे थे हम लड़कियों को, कहे तुम्हारे तुम्हारे मन ढेर बढ़ गया, तुम जल्दी चलो जल्दी इस लड़कियों को खींच के ले चलो, छूटेगा वहीं पे ये सब, वो समझ नहीं आएगा, लाल हो जाएगा हाथ वोट, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, देह पे मार नहीं कर रही है, गलत शब्द बोल रहे थे, तुम्हारी जवानी खराब हो जाएगी, अभी तुम लड़की हो तुम्हारी जवानी हम खराब कर देंगे, जबरदस्ती सब हमको खींच के पूरा जनता के सामने हमको जबरदस्ती खींच के ले जा रहे थे। चलो साथ सुन लिए ना, सब होगा ऊपर ठीक है, जात वाद चमार है, ये का चमार है तो इंसान नहीं होते हैं क्या, मैं बताएं इंसान नहीं होते हैं, चमार होते हैं तो चमार बताइए, कोई बातें नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इंसान तो इंसान है, खून अगर खून काटिए, खून को काटेंगे तो एक ही खून निकलेगा कि अलग अलग खून निकलेगा, बताओ अलग अलग खून निकलेगा कि एक ही खून निकलेगा, चमार है चाहे ठाकुर है चाहे बाबा है, एक ही खून निकलेगा ना उसमें से। साहब हमको विधवा मेरा में लड़के को मारते थे, हम छुड़ाने गए हमको मार दिए, देखिए इतना हमारा खून, हमारी साड़ी रंगा गई, आए थे सब वो लोग आए थे बोल रहे थे सर्वे करने के लिए, तो हम लोग बोले कि नहीं करने देंगे, तो फिर बोले थे सब इस तरह नहीं मानेंगे, इन लोग को घाटी समोसा लिपस्टिक बिंदी देंगे तभी सब मानेंगे, और जो जो लवंडे थे वो सब देख देख मुस्किया रहे थे, वो आँख मार रहे थे, बोले थे माल अच्छा है इसी धान में ले लो, ये बात हो बात सब कह रहे थे इसी तरह, हम लोग शर्मिंदा हो गए थे, हम लोग शर्मिंदा हो गए, इधर उधर चलने जा रहे थे, बोल बोल रहे हैं कहाँ भाग रही हो यहीं पे रहो तुम लोग, आजमगढ़ से नफरत भी है ना इन्हें, आजमगढ़ से इन्हें नफरत है, नफरत है चाहे वो बिजली, हम सब बोलते हैं किसके लिए परेशान हो रहे हैं, बच्चों हो रहे हैं, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे बच्चे तो बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल हमारे पास गार्जियन नहीं, तो हम बच्चों के लिए परेशान, हम अपने घर की गार्जियन है तो बच्चों के लिए परेशान है, तो आप लोग परेशान हो गए इसीलिए हमको मारे हैं। वो बोले हमारे सांसद जी कि ये सपा का राजनीति है, 80% किसान ने मंजूरी दे दी है और सपा वाले राज कर रहे हैं, सबकी हवा निकल जाएगी जब किसान लोग मान जाएंगे, उनको तो पैसा मिल रहा है, 10-4 गुना पैसा मिलेगा, तो 10 लाख का भी 4 गुना जोड़िए 40 लाख रुपया हो जाएगा, वो लोग तो सोच रहे हैं कि हमको पैसा मिल जाए, लोग सपा वाले भड़का रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, और अभी हमारी कई बहनों ने बताया कि रात में पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लोगों ने उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोस की बात है। एक तरफ तो सरकार विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कोई भी काम करने के लिए किसानों की सहमति उनकी रजामंदी से करते हैं, और सहमति रजामंदी इस तरीके से अगर ली जाती है तो आप बताइए फिर हम लोग क्या समझें। इस तरीके का बहनों के साथ माताओं के साथ अत्याचार जुल्म, ये बहुत ही गलत बात है,
और जहाँ तक सवाल है, अभी ये कह रहे थे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं माननीय सांसद जी आकर गांव के लोगों से बात करके उनको समझा लेते। माननीय सांसद जी आवें और समझा लें सबको, और सबको बुलाएं, बुला कर वो सबसे एग्रीमेंट करा लें। ये बात सिर्फ इतनी है कि जिसका घर उजड़ता है वही उस घर का दर्द समझता है। जी, 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 है ये बोल रहे हैं कि जो लोग सदियां लग जाती हैं एक घर बनाने में, और यहाँ पर जो भी लोग हैं प्रशासन के लोगों को चाहिए कि यहाँ के जिम्मेदार लोगों से आकर बातचीत करें। और दूसरी चीज, हम लोगों ने बहुत पहले ये कहा और फिर कहेंगे जिला अधिकारी महोदय से मिलकर कि आप शासन को अवगत कराएं कि आजमगढ़ में और भी जगह मौजूद है जहां पे आबादी नहीं है, जहां पे सरकारी ज़मीनों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, ऐसी जगह को चिन्हित करके एयरपोर्ट बनाया जाए और सारे आजमगढ़ के लोगों को बहुत खुशी होगी। लेकिन आशियाना उजाड़ कर बनाना ये अच्छी बात नहीं। और एक दूसरी बात बोल रहे थे कि वो जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो सर इसकी आप क्या? अभी उनके पास समय नहीं है कि जनता का दर्द समझ सकें। ये तो बस एक झोंका था, झोंके के सांसद हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जब वो कहते हैं मैडम, जब वो कहते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सुन लीजिए, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो भगवान राम त्रेता युग में आए थे, तो उनका मंदिर आज, उनका घर आज वहाँ अयोध्या में बनेगा। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए हैं, हमारे कई पूर्वज यहीं पैदा हुए हैं, तो बताइए हमारा काहे उजाड़ रहे हैं मैडम, बताइए हमारा काहे उजाड़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि कम से कम अगर अगर ये सपा की चाल होती तो आज दिखाई दे रहे हैं हमारे विधायक जी। सांसद महोदय अब तक कहाँ हैं? उनको हमारी दर्द की इतनी फिक्र है तो आज तक क्यों नहीं दिखाई दिए? मैडम आना चाहिए ना उनको, रामलला को उजाड़ दीजिए, हमको भी उजाड़ दीजिए। कागज मिल जाए तो हम इसी को लगा कर, ये जो आप जम्मू वाला जीना वाला चाहिए इसी को लगा कर इनको के पास फैक्स करने के लिए दिए हैं, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको फैक्स करने के लिए भेजे हुए हैं। तो जैसे सारे हसनपुर गांव और तमाम सारे लोग, तो हम लोग जो है बात करेंगे उस पे, आइडिया नहीं तो मैं पूछवा आप मुझे।